टाइम पे कभी कभी स्पाइजम की वजह से या व्हील चेयर छटक जाए हम नीचे गिर जाते हैं, फिर अगर नीचे गिर गए तो हम फिर अकेले कैसे बैठ सकते हैं, किसी का वेट करना ना पड़े, हम फिर अकेले, अभी तो हम गिर नहीं सकते, नीचे ही बैठना पड़ेगा। बेड के पास ऐसे हम कभी कभी गिर जाते हैं और व्हीलचेयर हमारी दूर हो जाती है या किसी भी साइड में, तो व्हीलचेयर को हम इस तरह से अपने पास लाएंगे, कभी ऐसे नहीं लाएंगे, हमें शिफ्ट होना है तो व्हीलचेयर को ऐसे रखना है। और हम व्हीलचेयर और बेड दोनों के हेल्प से व्हीलचेयर पे फिर से वापस आएंगे, तो हमें ऐसे हाथ यहाँ पे रखना है और दूसरा बेड पे, ब्रेक भी मेरी कोई ना। इसको और अच्छे से किया जा सकता है, मेरी स्लीप है, तो ये तरीका है ऊपर आने का। और दूसरा तरीका दिखाओगे? बस सही वापस या फिर गिर के वापस? गिर के वापस। ओके, ये एंगल से सेंड कीजिए। हां, ऐसे प्रोफाइल करो, प्रोफाइल करो, थोड़ा नीचे करो, नीचे करो। Upper body strength, arm strength, very important for any of this. Relative to your body weight, ऐसा 6 kilo का डंबल उठाया तो चलेगा नहीं। हम व्हीलचेयर यूजर्स के लिए कुछ चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं, एक तो व्हीलचेयर फिटिंग, दूसरा हमें विली आनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, वो सीखना ही है, और तीसरा बावेल ब्लडर मैनेजमेंट, वो भी हमें आना चाहिए अच्छी तरह से, हम यूरिन को कैसे मैनेज करते हैं, हम वॉशरूम में किस तरह से अकेले हैंडल करते हैं, ये सभी चीज़ें। अब हम बताएंगे आपको कि हम नॉर्मली जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो शुरुआती स्टेप से कुछ ना कुछ हो जाता है, कहीं रैंप मिलती है, कहीं खड्डे मिलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जहाँ पे हमारी व्हीलचेयर रुक जाती है, अगर आपको विली नहीं आती तो आपकी व्हीलचेयर वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, इसलिए आपको विली बहुत ज़रूरी है सीखना, और विली सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है, किसी को साथ में रखो और धीरे धीरे ट्राई करो, आप कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, कितना आपके पास पैसा हो जाए, लेकिन जब भी आप फ्री अकेले कहीं घूम नहीं सकते तो वो फीलिंग नहीं आएगी एक आज़ाद वाली, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम सीखने के बाद अपनी एकदम नॉर्मल लाइफ कर सकते हैं, तो वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए, तो विली सीखने के लिए पीछे किसी को रखें और ये पीछे अपने हाथ को रखें, थोड़ा सा पुश करें, ऐसे आगे का टायर उठना चाहिए, ऐसे पुश करें और पीछे से किसी को रखें, और जब भी इस कंडीशन में आता है पीछे ऐसा होल्ड तभी होगा जब आप पीछे रखेंगे किसी को,
उसको बोलो कि इस जगह पे होल्ड करके पकड़ के रखिए। तो जब इस कंडीशन में आता है, जैसे आगे ऐसे झुकने लगा, टायर आगे ले लेंगे, अगर हमारी कमर पीछे जा रही है, पीछे गिर रहे हैं, तो टायर पीछे ले लेंगे, फिर वो होल्ड हो जाता है, बीच में बैलेंस बनता है। सिर्फ यही एक टेक्निक होती है। अगर हम आगे की तरफ झुक रहे हैं, टायर हमारा आगे लेना है, पीछे गिर रहे हैं, टायर पीछे लेना है, फिर बीच में ही होल्ड रहती है। तो इस तरह से आप विली मेंटेन कर सकते हैं। और विली कितना कितनी जगह पर सपोर्ट करते हैं, कोई एक स्टेप्स है, रैंप पे चढ़ना है, उतरना है, अक्सर रैंप पे उतरने के टाइम पे कुछ रैंप ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं, तो उसमें आप हम डायरेक्टली ऐसे व्हीलचेयर सीधा नहीं लेके आ सकते। अगर हमें विली आती है तो हम कितनी भी स्पीड से नीचे जा सकते हैं, हमें गिरने का डर नहीं होता। रैंप जब भी लास्ट में ख़त्म होती है ना, वहाँ पे जो जॉइंट होता है, वहाँ पे हमारा आगे का टायर फंसता है, फिर हम आगे मुँह के बल गिर जाते हैं। तो विली इसलिए हमें ज़रूरी होती है। नॉर्मली बाहर रोड पे निकलते हैं, ब्रेकर मिलते हैं, उस जगह भी विली अगर आती है तो आप ऐसे विली करके आसानी से आ सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे विली आपको पूरा सपोर्ट करेगी, और विली नहीं आती तो हमें फिर किसी का वेट करना पड़ता है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं उस पर आगे, अभी जैसे यहाँ की लोकल ट्रेन है, विली करके आगे का टायर रख दिए, पीछे से कोई एक बंदा पुश कर दिया, अंदर घुस गए। लेकिन अगर आप आगे का टायर ऊपर नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर पीछे वाला बंदा नया होता है, आप किसी को बुलाते हैं, और जब वो पीछे से धक्का देना शुरू करता है, तो स्टेप्स के आगे ही अपना टायर फंसा रहता है और हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। जब तक उसे समझाते हैं, तब तक हम गिर गए होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी, एक कदम आप चलो, दूसरा कदम कोई नया आदमी वो आपको सपोर्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। विली कितने लोगों को आती है? अरे वाह, हमको और आसान हो सकता है। ऐसे केस में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, व्हीलचेयर की, हमें उस फिटिंग के हिसाब से व्हीलचेयर ही नहीं मिल पाती, यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। अभी हम ऑटो बुक में हैं, आप लोग प्रेशर डालो सर, किसी भी तरह उस तरह से फिटिंग करेंगे। थोड़ा मतलब जो भी एससीआई है, अगर चलने की उम्मीद पूरी कर चुके हो कि हम अभी नहीं चल पाएंगे, तो फिर इस कंडीशन में आपको जीना है, तो ये सब सीखना पड़ेगा, इसके बिना आप नहीं जी सकते। फैमिली आपको एक लिमिटेड टाइम तक आपके साथ रहती है, आपको अकेले ही सब कुछ करना है। जैसे कोई भी पीछे फैमिली वाला, शुरू में किसी को रखना पड़ता है, तो हम पीछे इसको पकड़ के रख सकते हैं। मैं आगे से सिखा रहा हूँ क्योंकि हम क्योंकि इनको मालूम पड़े मैं कितना पकड़ा हूँ, कितना छोड़ा हूँ, सामने से वो कॉन्फिडेंस है, इसके लिए सामने से हाथ अपना छोड़ दो, हाथ अपना छोड़ दो। ऐसे हर व्हीलचेयर का अपना अलग अलग बैलेंस होता है, वो बीच में किस जगह पे रुकती है, जहाँ बीच में होल्ड होती है वो बहुत इजी होता है, थोड़ा सा हम ताकत लगाते हैं आगे जाती है, थोड़ा सा पीछे, तो बैलेंस बहुत आसानी से मैनेज हो सकता है। अभी जैसे पीछे ये बैलेंस जा रहा है, इस टाइम पे हमें टायर को पीछे लेना है, ये आगे बैलेंस आ जाएगा। अभी आगे नीचे अगर जा रहा है तो टायर को आगे लो, बैलेंस ऐसे पीछे, इस तरह से बैलेंस को मेंटेन करना है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप दो चार बार, दो चार दिन कंटिन्यू, एक दिन में 20 मिनट में नहीं होना,
कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन हर किसी का नहीं होता, लेकिन दूसरे दिन वो ऑटोमेटिक वो कैचअप आ जाता है कि हाँ इस तरह से होगा। तो इस तरह से फैमिली वाले को भी चाहिए कि ये इतना उनको कैसे भी किसी भी तरह सिखाएं, क्योंकि नहीं तो हमेशा सबको साथ रहना पड़ेगा। अभी इन सब जगह पे आप अकेले आ सकते हो, किसी की जरूरत नहीं। तो इस तरह से जब तक बिली नहीं सीख पा रहे हैं तब तक फैमिली ये सपोर्ट करे, नहीं तो बहुत बहुत मुश्किल होगा। और इसके बाद बहुत अभी मैं देख रहा हूँ जैसे कई जिनका व्हीलचेयर नहीं है, कुशन नहीं है, व्हीलचेयर के ऊपर किसी का कुशन ही नहीं है, आपका भी नहीं है, आपका भी नहीं है, आपका भी। कुशन हम सबके लिए बहुत जरूरी है, कुशन बहुत बड़ी समझो हम सबके लिए बीमारी है, इसकी वजह से मर जाते हैं लोग। ज़्यादा टाइम नहीं लगता जब तक हम समझते हैं हमारा बिजनेस या कोई काम, हम इधर उधर वो सोच में पड़े रहते हैं तब तक बेड शोर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम आखिरी स्टेज में आ जाते हैं। तो किसी भी कंडीशन में अच्छे क्वेश्चन को यूज करो। आप देखें एक ईयर क्वेश्चन होता है, वहाँ पे भी दो क्वेश्चन रखे हैं आपके बजट के हिसाब से। फॉर्म के अलावा कोई भी क्वेश्चन यूज करें। जब भी शुरू में आप क्वेश्चन या जैसे जूता पहन रहे हैं उस टाइम पे दो घंटे चार घंटे बाद आप चेक करें किस तरह से हमारी स्किन खराब हो रही है या फिर नॉर्मल है, रेड हो रही है, किस तरह से है, तो ये देखना है, तभी वो लॉन्ग टाइम के लिए आप ज्यादा टाइम के लिए उसको फिक्स कर सकेंगे कि हाँ ये हमारे लिए बेहतर है। तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, रोहू का क्वेश्चन है, ये हम सबके लिए बहुत बहुत फिट होता है। मैं इसके पहले अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन यूज किया लेकिन कहीं ना कहीं स्किन हमारी वो उस तरह से नहीं होती, लेकिन ये यूज करने के बाद हमारी स्किन नॉर्मली जैसे हाथ पैर की इधर दिखती है वैसे उसी तरह से हो जाती है। तो कोशिश करें ऐसे क्वेश्चन को यूज करें और बिना क्वेश्चन के कहीं भी कोई भी व्हीलचेयर यूज ना करें। कितने लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है आज? एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने कितने लोग भूल गए? गाइस वी हैव टू सिट ऑन अ कुशन नो मैटर व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो बेड सोर हो जाएगा। बेड सोर इज़ अ वेरी डेंजरस, दिस इज नॉट अ रिस्क दैट वी वांट टू टेक, राइट? एनी टाइप ऑफ कुशन बट समथिंग हैज़ टू बी देयर। इमरान आप बताएंगे कि कौन सा कुशन अच्छा है, हवा वाला, फोम वाला? मैं जहाँ तक अभी तक कई सारे ट्राई किया हूँ, सबसे बेस्ट मुझे ये ईयर कुशन, ये सबसे बेस्ट है। ये पंचर होने का डर है लेकिन अभी इसके अलावा और कोई ऑप्शन, और कोई कुशन मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हवा हवा गर्मी के लिए बहुत अच्छा रहता है मगर उससे हमको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है। अगर हम हवा के कुशन पर बैठेंगे तो थोड़ा हिलता जुलता है, फोम पे बैठेंगे तो स्टेबिलिटी मिलता है मगर फिर गर्मी का प्रॉब्लम है, जेल पे भी गर्मी का प्रॉब्लम रहता है। तो मार्केट में ऐसे अलग अलग तरह के कुशन मिलते रहते हैं। फोम प्लस एयर, फोम प्लस एयर इज इन माय एक्सपीरियंस द बेस्ट वन, बिकॉज यू हैव द स्टेबिलिटी ऑफ द फोम एंड देन यू हैव द वेंटिलेशन ऑफ एयर, सो you get a lot of options, many options are there in Autobock, other companies are also there. So please invest in a proper wheelchair and a proper cushion. हमारे पास 10 लाख की गाड़ी होती है, 1 करोड़ का घर रहता है मगर अपने को 10,000 का व्हीलचेयर चाहिए, हाँ? It makes no sense. हम लोग व्हीलचेयर 12 घंटा 14 घंटा बैठते रहते हैं। अच्छा, even if you can't afford, approach an NGO, many NGOs are there. You are willing to help, so please invest in yourself. It's very important. आपकी life normal अगर करती है तो सिर्फ wheelchair question है। अगर wheelchair आपके हिसाब से fit नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, कहीं भी चले जाओ, वो खुशी नहीं feel होगी, वो normal सी चीज, normal लोगों की तरह नहीं feel होगी। तो अपने आप को बिंदास बनाना है, free बनाना है, तो अपने आप को fit रखो, pant shirt की तरह, सोच की तरह, जिस तरह से वो फिट चाहते हो उसी तरह से व्हीलचेयर भी फिट, व्हीलचेयर फिट होगी। अभी जैसे विली का है, कई बार ट्राई की विली नहीं हो पाया, मेन प्रॉब्लम वही व्हीलचेयर का है, अगर व्हीलचेयर ठीक होती तो विली करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी को।
तो इस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं। और अभी जैसे यूरिन बैग मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का बाहर है, तो ये एक एक चीजें होती हैं, एक एक सिस्टम होता है हमें छुपाने का, क्योंकि हमारी लाइफ इसके साथ ही है आखिरी दिन तक। तो हम उसे किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, हम ऐसा कैसे करें कि जो लोगों के सामने ना दिखे, क्योंकि हम सोसाइटी में बाहर निकलते हैं। अभी यहाँ इस फैमिली से जुड़े हैं कि जो सभी जानते हैं स्पाइनल इंजरी कुछ होती है, ऐसे केस कुछ होते हैं, उनको अजीब नहीं लगता। लेकिन जब भी नए लोगों के पास जाते हैं, हमारी यूरिन बैग ऐसे बाहर होती है, तो वो थोड़ा सा दूरियां बनाते हैं या फिर हमारी लाचारगी को वो एहसास कराते हैं, ओ ऐसा कैसे। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी, इसके साथ उम्र भर है, तो वो सब मेंटेन करना है हमें, ऐसे ही अपने लाइफ को अच्छे से जीना है, तो कोई भी हमारी प्रॉब्लम समझ ना सके। क्या करते हैं यूरिन बैग? तो यूरिन बैग अभी जैसे बाहर है आपका, तो आप अपने पैर के अंदर बांध सकते हैं। अभी जैसे हमने ये अंदर लगाया, ये लेग बैग होती है, पैर में सपोर्ट बांध सकते हैं, तो इस तरह से ये नीचे से ही यूरिन निकाल सकते हैं वॉशरूम में। और और पाइप अंदर से ही लगे पाइप अंदर से ही, बाहर से ऐसे कुछ भी नहीं दिखे। तो ये बहुत जरूरी है, एक एक चीज, यही सब चीजें हैं जो रिहा सेंटर में हम रहते हैं, तो नॉर्मली हमें वही हॉस्पिटल की यूरिन बैग मिलती है। एक्सीडेंट हुआ है स्पाइनल, इसी के लिए ये सब चीजें बताई जा रही है कि लोग ये सब जाने। जब ही जानेंगे, हम सपना वही देखते हैं जो हमारे मन में कोई इमेज होती है, हम उसी चीज का ख्वाब देख सकते हैं। तो वैसे ही जब हम ये चीज देखेंगे, तभी हम इसके बारे में जानकारी